कच्चे में खौफ का सूरज गुरूब होकर रहेगा। रहीमिया खान कच्चे में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन हतमी मराहल में दाखिल। सवाली बकरानी में डाकुओं के ठिकाने तबाह। पुलिस एलीट और दीगर फोर्सेज का ऑपरेशन कामयाबी से जारी। जनूबी पंजाब को उसकी पहचान देंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में ऑपोजिशन पर खूब बरसे। कहा कि कुछ कुव्वतें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में रुकावटें बन रही हैं। जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाने के लिए मस्बत इकदाम उठा रहे हैं। मईशत में रातों रात तरक्की नहीं होती। सूबा बनेगा तो यहाँ की महरूमियाँ खत्म होंगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुकूमत के आड़ हाथों लिया। कहा कि हुकूमत जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा करे। ये भी कहा कि मुल्क की मईशत आईसीयू में है। हर पाकिस्तानी 2 लाख कर्जा लेकर पैदा होता है। महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान के असरात। पावर लूम इंडस्ट्री मुल्तान में कारोबार ठप होने लगा। कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी से हालात खराब कर दिए। मशीनें मुस्तकिल नहीं चला सकते। बेडशीट का धागा बाहर से आता है जिस पर ड्यूटी लगती है। उधर बड़ी स्क्रीन के शौकीन हजरात भी परेशान। कीमतें कई गुना बढ़ने से एलईडी कुव्वते खरीद से बाहर हो गई। मुल्तान जिले इंतजामिया की गफलत या लापरवाही। मेट्रो स्टेशन के साथ बने ग्रीन बेल्ट जबूहाले का शिकार। पौधे मुरझा गए, क्यारियों में पौधों के बजाय कूड़े के ढेर। इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। शहरियों का नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली या गफलत। सूरतकुंड रोड 12 बरस से टूट फूट का शिकार। किसी ने खबर तक नहीं ली। गढ़े पड़ने से आमदोरफ्त मुतासर। सड़क टूटने से 65% कारोबार कम हो गया। नुमाइंदे वोट लेकर चले जाते हैं, फिर पूछते भी नहीं। ताजिर शिकवा कुना। सड़क ऊंची नीची इतनी है, 2-2 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इसको दुरुस्त किया जाए। कोई गाह इधर नहीं आता। जड़े आते मोटरसाइकिल वाला भी आते हो, कोई कहीं गिर जाता है, कोई कहीं गिर जाता है, चोटें लग जाती हैं। बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं थे, आते हैं, लेकिन बहुत बुरा हाल है। आने जाने वालों को बहुत परेशानी है। अबरे करम ने इंतजामिया का ना रखा भरहम। बहावलपुर में बारिश से लारी अड्डे का निजाम दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किल का सामना। डेरा गाजी खान के मुतादिद इलाकों में बारिश के बाद पानी जमा। शहरी परेशान। बहावलपुर की सलाहुद्दीन कॉलोनी के मकीन सरापा एहतजाज। गलियों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। मुजाहरीन का म्यूनिसिपल कमेटी से नोटिस लेने का मुतालबा। दरियाए सिंध में पानी की शदीद कमी। बारिश के बावजूद तौंसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह इंतहाई कम। पानी की आमद 46,742 क्यूसिक जबकि अखराज 44,542 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी कम होने के बाद डीजी खान और टीपी कैनाल बंद कर दी गई। मेफको हुकाम की मुजरमाना गफलत या किसी बाड़े सानहे के मुंतजर। बहावलपुर की बस्ती खानवाली में हजारों जिंदगियां दांव पर लग गईं। अहले इलाका बिजली के नंगे तार तब्दील ना करने पर सरापा एहतजाज। घरों के नजदीक फैले बिजली के तार हटाकर खंभे लगाने की अपील। बहावलपुर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 11 बरस बाद भी मुकम्मल ना हो सका। 2 करोड़ से जायद मालियत से तामीर इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम भूत बंगले में तब्दील हो गया। नौजवानों का हुकूमत से तामीर मुकम्मल करवाने का मुतालबा। उधर बहावलपुर स्पोर्ट्स ऑफिस में मखदूश हालत का शिकार। खस्ता हाल इमारत हुकाम की तवज्जो के मुंतजर। म्यूनिसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ की नाअहली खुलकर सामने आ गई। वेयरहाउस में पड़ी करोड़ों की मशीनरी नाकारा हो गई। स्ट्रीट लाइट्स ट्रैक्टर और दीगर अशिया जंगालूद हो गई। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। ग्रीन एंड क्लीन पंजाब के दावे महज दावे निकले। रहीम यार खान के चक 11 में गंदगी के ढेर। तहफ़ुन से इलाके में बीमारियों के फैलने का खदशा। म्यूनिसिपल कमेटी खामोश तमाशाई बन गई। इलाका मकीन शिकवा कुना। हुकूमत का नया बल्दियाती निजाम लाने का मामला।
सूबा भर के बलदियाती इदारों के सरबराह कल लाहौर में इकट्ठे होंगे। मौजूदा बलदियाती निजाम की मुद्दत मुकम्मल करने के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। 18 अप्रैल को मीटिंग में मुल्तान का फैसला भी किया जाएगा। हुकूमत कौम को IMF के चुंगल में ना फंसाए। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अजहर इकबाल हसन की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। अवाम का मौजूदा हुकूमत से एतबार उठ गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमिर शहबाज ने रहीम यार खान में पुल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि वोट के लिए नहीं, अवामी खिदमत के जज्बे से पुल बनवाया है। हुकूमत अवाम की खिदमत नहीं कर रही, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अपने ही जिले के सियाहती मुकाम को फरोग देने में नाकाम। फोर्ट पंड्रो का फातिमा जिना पार्क अदम तवज्जो के बायस खंडर में तब्दील। उधर डेरा गाजी खान का सिटी पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर। शहरियों का PHA से नोटिस लेने का मुतालबा। बहावलपुर के बुनियादी मरकजी सेहत की हालत बेहतर न हो सकी। करमपुर के डॉक्टर्स और अमला गैर हाजिर। चार दीवारी गायब। वार्ड की हालत भी अच्छी नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर ने डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। मुल्तान पुलिस मुनशियात फरोशी के खिलाफ मुतहरिक। लोधना से मुल्तान मुनशियात सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। देहरी गेट में कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में चर्स बरामद। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। उधर थाना शाहजमाल पुलिस ने शहरियों को लूटने वाला ग्रोह गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और लूटी हुई रकम बरामद। मुल्तान में डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। गुजश्ता रात पीरा गायब रोड पर फार्मेसी में डकैती की CCTV फुटेज रोही को मौसूल। डाकुओं को दुकानदार और ग्राहक को लूटते देखा जा सकता है। न्यू मुल्तान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जहानिया पुलिस ने अपना ही कानून बना लिया। नाके पर मोटरसाइकिल के कागजात ना दिखाने पर नौजवान पर तशद्दुद। वर्सा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, कार्रवाई का मुतालबा। उधर आराजी रिकॉर्ड सेंटर तौंसा के खिलाफ माजूर शख्स सरापा एहतजाज। रिश्वत सतानी का निजाम खत्म करने का मुतालबा। डेरा गाजी खान डिवीजन में बारिशों से सैलाब का खदशा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से हाई अलर्ट। डेरा गाजी खान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। डिप्टी कमिश्नर मियां इकबाल मजहर महार का मरासला जारी। डिप्टी कमिश्नर लैया बाबर बशीर की गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। उधर DPO लैया का थाना चौबारा और चौक आजम का दौरा। इंतजामी उमूर का जायजा लिया। मोहम्मद सलीम अफजल नए डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर तैनात। कमिश्नर DG खान ताहिर खुर्शीद के एजाज में अलविदाई तकरीब। डिप्टी कमिश्नर समेत डिवीजन में तैनात आला अफसरान की शिरकत। ताहिर खुर्शीद की डिवीजन के लिए खिदमात को बेहद सराहा। पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी की सादिकाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तकरीब में बच्चों ने कौमी तराना और खूबसूरत जाबलोस पेश किए। बहावल नगर में गंदम की कटाई पर एक पर वकार तकरीब। गंदम की बाकायदा कटाई शुरू हो गई। कटाई से कबल किसान पुरजोश। ढोल की थाप पर रक्त झूमर। दुनिया भर की तरह मुल्तान और बहावलपुर की ईसाई बिरादरी आज पाम संडे मना रही है। खुसूसी दुआया तकारीब की मर्द खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद में शिरकत। मुल्तान और बहावलपुर में शहरियों ने संडे को फंडे में बदल दिया। शहरी दोस्तों और फैमिलीज के साथ पार्क और चिड़ियाघर की सैर को पहुंचे। किसी ने आइसक्रीम पसंद की तो किसी ने गोलगप्पे खाए। कोई झूले झूलकर एंजॉय करता रहा तो कोई मनपसंद जानवर देखकर खुश होता रहा। लाल शहबाज कलंदर से अकीदत का मुनफरिद अंदाज। हारूनाबाद से जायरीन का साइकिल काफिला सहवन के लिए रवाना। कहते हैं कि हर साल साइकिलों पर उर्स में शरीक होते हैं। जायरीन के रवानगी से कबल ढोल की थाप पर धमाल। और 700 साल कदीमी 22वें वाले मेले की तकरीबात का तीसरा जोर।
ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت سیکیورٹی کے سخت انتظامات واک تھرو گیٹس اور سی سی ٹی وی کیمرے نصب جھولوں سرکس سمیت مٹھائیوں کی دکانوں پر رش